देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बाबू पूरा चरमरा गई है। लोग खाने खाने को मुहाल हो रहे हैं, गरीबी त्रस्त हो रही है। बीजेपी जो है युवाओं के साथ जो है गलत व्यवहार कर रही है, तो युवाओं को खास नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनमें जो है आक्रोश बढ़ा हुआ है। जितना प्रधानमंत्री हुआ किसी ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी ने। जैसे पांच काम उनका गिनाइए जो मोदी जी किया है। पांच काम से आपने कहा कि बहुत सारा काम किया, तो जनता जो हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है कम से कम पांच ही काम ऐसा बताइए जो मोदी जी ने किया। देश किसको देखना पसंद करेंगे ऐसा? इसको तो राहुल गांधी को पसंद करना चाहिए। हमारे लिए मोदी क्या किया? कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी है, कुछ नहीं किया हमारे लिए। गैस का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, हर चीज का दाम देखिए, कुछ नहीं किया मोदी। तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया दे रहा है, वो भी कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा। जनता जो है किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे 2024 में? जनता एक ही चीज चाहती है कि सर्वोपरि है देश का विकास, लेकिन जनता की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनको भी जनता जो पार्टी उसके ऊपर ध्यान देगी। मोदी जी को फिर से देखना पसंद करेंगे या कोई और को, या राहुल गांधी को? नहीं, राहुल गांधी को पसंद करेंगे हम, क्योंकि बेरोजगारी कम होनी चाहिए। मोदी जी के वहां में बेरोजगारी चल रही है ज्यादा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफी का, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आप तक इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार में, और बिहार के लोगों से ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है 2024 जो आने वाला समय है, 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री देश का। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से जानते हैं। हमारे साथ एक अंकल जी, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? सुनील कुमार। सुनील कुमार कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर के। क्या लगता है इस बार जो है जनता जो है किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे 2024 में? जनता एक ही चीज चाहती है कि सर्वोपरि है देश का विकास, लेकिन जनता की बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, उनको भी जनता जो पार्टी उसके ऊपर ध्यान देगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन मोदी जी ने ठीक है देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, विकास के लिए काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जनताओं की जो समस्या है उनके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो क्या लगता है मोदी जी जो है जनता की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं उस पर चूक कर रहे हैं? हाँ, उस समस्याओं को वो देख नहीं रहे हैं। देख रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा गहनता से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो अभी देश में जो है सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार, नौजवानों में जो रोजगार की कमी है, तो उस पर मोदी जी खड़े उतर रहे हैं? हाँ, रोजगार की कमी है वो बात सही है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। उसके प्रयास में वो लगे हुए हैं और वो काम होगा। तो क्या भारत की जनता जो तीसरी बार मोदी सरकार को मौका देंगे, मोदी जी को मौका देंगे? बिल्कुल देना चाहिए, विकास के हिसाब से, राष्ट्र के हिसाब से, देश सर्वोपरि है उसके हिसाब से देना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के अगेंस्ट में दूसरा कोई नेता को क्यों नहीं देश पसंद करना चाहेंगे? जो राष्ट्र की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, वही। तो अभी तो मैंने देखा कि राहुल गांधी जो लगातार जो है देश में जो है विकास की मुद्दा को हमेशा उठाते रहते हैं, सदन में भी उठाते हैं और देश भर में वो भ्रमण भी कर रहे हैं लगातार। अभी जो है मैंने देखा कि वो लद्दाख वगैरह में पहुंचे हुए हैं। तो वहाँ भी वहाँ पर भी वो विकास के मुद्दा को अभी हाल ही में उन्होंने कहा है कि अब मैं सदन में बैठूंगा तो उस पर आवाज़ उठाऊंगा। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी की जगह देश जो है राहुल गांधी को देखना पसंद करेगी? राहुल को देखना पसंद करेगी ये जनता अपने आप में डिसाइड करेगी क्या है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है देश। वो बात करते हैं देश के बारे में, लेकिन देश की जो बुनियादी आवश्यकता है उसके बारे में बात नहीं करते। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं पानीपुरी के दुकान में कुछ और भाई साहब नजर आ रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, इधर आइए हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है भैया? हाँ, तो बोलेंगे। अरे क्या हुआ, भाग रहे हैं? अरे सुनिए सुनिए, हेलो, ये देखिए इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश राय। सुरेश राय, हाँ। क्या लगता है देश में जो है अब 2024 का इलेक्शन आने वाला है, हाँ। तो प्रधानमंत्री के रूप में कि लोग किसको देखना पसंद करें, मोदी जी को या राहुल गांधी को? कोशिश करेंगे मोदी जी को। हाँ। राहुल क्यों नहीं पसंद है? पसंद इसलिए नहीं कि राहुल पहला बार आ रहा है। राहुल, हाँ। तो देख लेंगे, अगर पलटवार होगा, हाँ। अगर स्थिति अगर देखेंगे उनका अगर पलड़ा भारी है तो उन्हीं को दे देंगे। राहुल जी का पलड़ा भारी होगा तब उनको दे दीजिएगा, दे देंगे, नहीं तो फिर मोदी जी को। ऐसा क्यों करेंगे आप? ऐसा अपना इच्छा। क्या लगता है राहुल गांधी या मोदी जी, जो मोदी जी अभी लगातार जो है 10वां साल उनका होने वाला है जी, तो क्या कुछ कमी रह गई है जिसकी वजह से आप दूसरे नेता को? ऐसे तो कमी तो बहुत है, कमी बहुत है देश में। तो राहुल गांधी उस मुद्दे को उठा पाएंगे सदन में?
जो जो कमी है अभी देश में, वही अगर स्वीकार करते हैं कि उठाएंगे, अगर करेंगे तो फिर राहुल गांधी लगातार जो है हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पे जो है हम लोग को तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया दे रहा है, वो भी कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा। तो मोदी सरकार अभी सरकार में है ना? हाँ, मोदी सरकार। हाँ। इस साल में देख रहे हैं कि अभी लगातार आ रहा है, ना तो पहले तो एक महीना दे के 6 महीना गायब है। अच्छा, तो क्या देश की जनता जो है कि 400 रुपया से क्या होने वाला है हम लोग को, एगो चॉकलेट का भी पैसा नहीं होगा। गैस का दाम देखिए। हाँ, युवा है, युवा लगता है देश में जो अभी जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होने वाला है 24 में, देश किसको देखना पसंद करेंगे? तो राहुल गांधी को पसंद करना चाहिए। हमारे लिए मोदी क्या किया है? कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी है, कुछ नहीं किया हमारे लिए। गैस का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए, हर चीज का दाम देखिए, कुछ नहीं किया मोदी। बाजार का महंगाई देख लीजिए, सब चीज देख सकते हैं। बाजार का महंगाई देख लीजिए, महंगाई तो बढ़ा। 200 रुपया देखते हैं। हाँ, पेंशन देखते हैं, वृद्धा पेंशन देखते हैं, सबसे कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों के कितना बेटा, अगर 1000 रुपया पेंशन देगा तो कुछ तो पेट भरेगा भाई। कुछ नहीं होने वाला ये से। जब दाम कम रहेगा, अगर जब दाम कम रहेगा सब चीज का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दाम कम रहेगा तो कोई दिक्कत। मजदूर जो है कमा के खा सकता है एक रोटी। अभी तो वैसा है कि एक रोटी खाने के लिए बुरा हाल हुआ है। क्या लगता है युवाओं को जो है इस सरकार में रोजगार नहीं मिला है? नहीं, इसमें इस सरकार में नहीं मिला है। कहीं यार राहुल गांधी आए, बहुत अच्छा हो रहा है। सब सरकार धोखा दे रहा है। कह करके रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ दे रहा है। तो आप तो अभी बोले कि मोदी जी को आना चाहिए। है? अभी तो आप बोले फिर मोदी जी को आना चाहिए। नीतीश के बारे में बोल रहे हैं, नीतीश जी जो घोषणा किए थे। हाँ, तो अभी तक कहाँ बेरोजगार को नौकरी हुआ है? हम सवाल ये कर रहे हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी में लोग किनको पसंद करेंगे 24 के इलेक्शन में? वो तो पब्लिक पर निर्भर करता है भाई। हाँ। अगर मान लीजिए हम मोदी जी को अगर पसंद करते हैं तो कोई राहुल गांधी को पसंद करेगा। अच्छा, तो ज्यादातर लोग किनको पसंद करेंगे? अब ये चीज हमको संज्ञान में नहीं है इतना पता। आपने मिजाज बनाया होगा ना किसको? अभी कोई मिजाज नहीं। कौन से नेता बेहतर रहेगा देश के लिए, वो आगे इलेक्शन आने के बाद पता चलेगा कैसे क्या होता है। क्या लगता है आप युवा है, कैसे क्या सोच रहे हैं आप? मेरा सोच ये है कि राहुल गांधी को चुनना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके सिवा कुछ है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी का सोचना भी नहीं चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं किया। 10 साल नरेंद्र मोदी को जो है जनता ने दिया है, अब 10 साल होने वाला है, 9 साल तो क्रॉस कर गया है। तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, न रोजगार दिया है, न कुछ। जिस लोग का रोजगार भी था वो लोग ही बेरोजगार हो गया है इस लॉकडाउन को लेकर के भी। उसके लिए भी कुछ सोचना। लॉकडाउन तो सारे दुनिया में आया था, उसको तो वहाँ पे सारे दुनिया को क्षति पहुँचा लॉकडाउन को लेकर। तो आप, हाँ, उसमें इसे कुछ लोग बेरोजगार हो गए, उसके लिए कुछ रोजगार के लिए सोचना चाहिए था, वो भी नहीं सोचे। आज तक का उस पर ध्यान ही नहीं दिए, कभी आज तक उस पर डिबेट नहीं हुआ किसी चीज़ में भी, किसी चीज़ का अनाउंस नहीं हुआ, तो कैसे चलेगा ऐसे में? नरेंद्र मोदी सिर्फ अपना भाषण वाषण के चक्कर में रहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो आपके कहने वाले सिर्फ भाषण देते हैं? वो भाषण देते हैं, अपने बातों पे खड़े नहीं उतरते, अपने बातों पे नहीं कभी। मोदी ही बन गए मोदी जी? हाँ, एकदम श्योर है। 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? भारत को एकदम आकाश में पहुंचा दिया। क्या आकाश में क्या पहुंचा? साइंटिस्ट लोग तो पहले से ही काम करते रहते हैं, उनके प्लान उनके आने से पहले से ही लोग काम कर रहे थे। अभी तक जितना प्रधानमंत्री हुआ किसी ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी ने किया। जैसे 5 काम उनका गिनाइए जो जो मोदी जी किया है। 5 काम चाचा, आपने कहा कि बहुत सारा काम किया, तो जनता जो हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है, कम से कम 5 ही काम ऐसा बताइए जो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने बहुत काम किया तो। जैसे 5 काम आप बताइए ना, आपके नज़र में भी होगा ना बहुत सारा काम, 5 काम सिर्फ बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। अभी किसानों के लिए कितना फायदा किया, किसान आंदोलन जो हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसका बिल तो वापस लेना पड़ा मोदी जी को। हाँ, किसानों ने आंदोलन किया था, तो क्या किसानों के लिए क्या किया? उसके खाते में पैसा भेजता है। कितना पैसा मिलता है? 3 किस्त में भेजता है। आप भी किसान हैं? किसान हैं, मजदूर हैं, तो कुछ सब। कितना पैसा मिलता है आपको? कौन चीज़ में? हम तो रिटायर हैं। आप रिटायर हैं। क्या लगता है देश जो है प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगी? वो सब देखिए, गरीब घर का जो लड़का रहेगा उसको पता है ये गरीबी क्या है। अच्छा, और जो अमीर घर का रहेगा उसको तो पता ही नहीं रहेगा गरीबी किस चिड़िया का नाम है। तो ये रोजगार का जो मुद्दा पे जो अभी देश में महंगाई है, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, देश में बहुत महंगाई है, तो क्या लगता है ऐसा महंगा वाला प्रधानमंत्री आपको चाहिए या सस्ता वाला? अरे महंगाई तो बढ़ेगा घटेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो अभी लगातार तो बढ़ ही रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। टमाटर चचा जो है 100 रुपया अभी भी बिक रहा है, बताइए महंगाई कैसे? अभी जितना
भारत के जनसंख्या है उसका 10 गुना मोबाइल है। अच्छा, आज जितना जनसंख्या है उसका 2 गुना मोटरसाइकिल है। तो महंगाई कहाँ है? तो मोटरसाइकिल तो जरूरत के लिए, लेकिन लोग राशन वगैरह जो खरीदते हैं मनोरंजन के लिए, जरूरत के लिए नहीं करता है लोग। अच्छा, मनोरंजन के, मनोरंजन के लिए। अभी जो देश में जो महंगा आटा लगभग 36 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज देखिए चचा अभी 32-33 रुपए। उपज कम होगा, उपज कम होगा तो मूल्य बढ़ेगा ना। बीच में इतना ना उपज हो गया था सर, उसका रेट नहीं था, रेट नहीं कोई ले रहा था, 1-2 रुपए किसानों ने फेंक दिया बजट उसको। डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी ही ना। दोस्तों हमारे साथ एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, क्या लगता है 2024 में जो अभी इलेक्शन आने वाला है, देश की जनता जो है किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे, राहुल गांधी को या मोदी जी को या कोई और उसके अगेंस्ट में? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता को काम चाहिए। दूसरे नंबर के जब जब इलेक्शन होता है तब तब हमारे देश के जो राजनीति का ये जो पहलू चल रहा है कि जातिवाद पर, जो धर्मवाद पर जो है लोगों को बहला फुसला करके सत्ता को हथिया लेना, ये तो परंपरा बन गई है। तो हम यही कहेंगे कि जनता अपने बुद्धि और विवेक से जो है इस तरह का मतलब प्रतिनिधि चुने जो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा जो है कारगर साबित हो, और धर्म का और या जातिवाद का कोई प्रश्न नहीं आना चाहिए। क्या लगता है मोदी जी को जो 10 साल अभी मिला है लगातार, तो जनता उसे खुश है उनसे? देखिए सब तरफ उनसे खुश नहीं है, पहली नंबर। दूसरी नंबर की चाहे प्रतिनिधि कोई भी हो वो उसे जो है चाहे निचली स्तर पर देखा जाए मुखिया भी जो है अपने मतलब जनता को खुश नहीं कर पाते, वो तो खैर इंडिया लेवल का बात है या कंट्री लेवल का बात है, तो उसमें तो हम इस बारे में खुल के नहीं बता पाएंगे, चूंकि हम तो केवल ताजपुर से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट में तो हम जा नहीं पाते हैं। जो युवाओं के लेकर जो है बीजेपी, युवाओं में सबसे बड़ा ये है जोश है कि भाई बीजेपी जो है युवाओं के साथ जो है गलत व्यवहार कर रही है, तो युवाओं तो खास नहीं मिला, रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनमें जो है आक्रोश बढ़ा हुआ है। महंगाई को लेकर भी, महंगाई के लेकर के तो देखिए सबसे बड़ी चीज है बीजेपी सरकार में, चाहे वो मतलब आंतरिक दृष्टि से हो या मतलब वो जो कहते हैं मतलब सीमा सुरक्षा के कुछ भी करे, लेकिन हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो तो बाबू पूरा चरमरा गई है, लोग खाने खाने को मुहाल हो रहे हैं, गरीबी त्रस्त हो गई है। देश को जो है कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, सस्ता लाने वाला प्रधानमंत्री? बिल्कुल, बिल्कुल, जो हमारे जनता को जो है सस्ता दर पर जो है हर चीज मुहैया करावे वैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, वो चाहे वो राहुल गांधी हो या मतलब प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो। दोस्तों हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे यहाँ पे। क्या लगता है देश में 24 के इलेक्शन में लोग कैसे प्रधानमंत्री पर देखना पसंद करेंगे? हम तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे कि आप इस मुद्दे पे हमसे आप सवाल कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बने। अच्छा, क्योंकि हमारे सूबे बिहार में जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से उन्होंने कारकर्दगी की है, वो बहुत ही जो है तहसीनों दाद के जो है। नीतीश कुमार जी ने अभी तमाम जो विपक्ष के जितने भी लोग हैं सारे लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लेवल पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत अनुभवी हैं और जिस तरह से उनकी शैली है काम करने की, उसमें कोई शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बिल्कुल प्रधानमंत्री के काबिल हैं और वो बनने के लायक हैं, क्योंकि बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और हमारे सूबे बिहार को जिस तरह से चमकाया है उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान को वो चमकाएंगे। इसीलिए हम तो ये चाहेंगे कि हमारे सूबे बिहार का प्रधानमंत्री बने तो नीतीश कुमार ही बने। दोस्तों इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ एक जो है राजीव गोलगप्पा वाले भाई साहब है, और ये देख सकते हैं सर क्या लगता है 2024 में जो अभी चुनाव होने वाले हैं उसमें आप लोग जो है किनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, मोदी जी को फिर से देखना पसंद करेंगे या कोई और को, या राहुल गांधी को? नहीं, राहुल गांधी को, राहुल गांधी को पसंद करेंगे हम, क्योंकि बेरोजगारी कम होनी चाहिए, मोदी जी के वहाँ में बेरोजगारी चल रही है ज़्यादा। हम एमपी से यहाँ आए हैं गोलगप्पे बेचने के लिए, अगर एमपी से यहाँ आए हैं। हाँ जी, अगर बेरोजगारी नहीं होती तो फिर यहाँ काय के लिए आते हम। अच्छा, हाँ जी, तो क्या लगता है देश की युवा जो है इस बार जो है मोदी जी को पसंद नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी को, राहुल गांधी को। हाँ जी, क्या खासियत है राहुल गांधी में जो आप उनको पसंद करें? मोदी जी कितना अच्छा तो काम कर रहे हैं देश में, कर तो रहे, लेकिन नहीं जो कांग्रेस पार्टी में है वो किसी में नहीं है, हर लोगों को इस मतलब किसी को मतलब उनसे वो नहीं है ज्यादा, कि वो ज्यादा उद्योगपतियों से ज्यादा प्रेम रखते हैं, उनको ही हर कुछ देते हैं, लेकिन
गरीब आदमी को कुछ नहीं देते वो। राहुल गांधी को क्यों मौका मिलना चाहिए, किसी और को क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं नहीं, राहुल गांधी क्या, कांग्रेस पार्टी से पहले हम जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी ने सबका भला किया था। बीजेपी में तो कोई मतलब परिवारवाद तो नहीं, कांग्रेस में तो परिवारवाद है, सब एक दूसरे को बनाइएगा, कांग्रेस को ही, कांग्रेस में फिर से राहुल गांधी को बनाइएगा, उससे पहले जितने भी उन लोगों के खानदान के बने हैं। हाँ तो खानदान के बने हैं, लेकिन उन्होंने गरीब जनता का भला ही सोचा है। अच्छा। कभी भी हाँ कभी ये नहीं सोचा है कि नहीं, खाद अभी देखो ना, खाद कितना महंगा हो गया है, हर चीज पे ले लो, हर चीज पे महंगाई आ रही, इतनी महंगी नहीं रहती थी पहले। हाँ। मोदी जी तो 10 साल में कितना अच्छा सा काम सब किया, देश को ऊपर ले गए, फिर क्यों नहीं? अरे नहीं, वो तो विदेश से जाना, विदेश से बातें करते, ये नहीं कि देश से करना चाहिए, विदेश जाके कोई भी काम करते हैं, जब चुनाव आ जाता मन है की बात तो करते हैं। अरे मन की कहाँ बात करें, जब चुनाव आ जाता है तो हाँ जी बोलते हैं, फिर चुनाव के बाद तो सब खत्म, बस ऐसा ही होता है। तो आपके MP में भी तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार है? हाँ बीजेपी की सरकार है। तो मामा ने नहीं कुछ किया वहाँ? नहीं मामा ने कुछ नहीं किया, मामा कहते हैं लेकिन करते नहीं, सब कहते हैं कि ये हमारे भांजे हैं, भांजे कुछ नहीं करते। लोग तो बुलडोजर को पसंद करते, बुलडोजर बाबा को याद कर रहे हैं। अरे कहाँ बुलडोजर बाबा, हमारे दर की सब कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी प्रधानमंत्री बना तो हमारे, अरे योगी नाथ का ही, हमारे दर सिर्फ राहुल गांधी आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ यूपी के CM है अभी प्रेजेंट में। हाँ उनको लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना। नहीं 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 नहीं, वो बाबा लोगों का भला कर रहे हैं, बाबा लाइक जैसे बाबा ही है, वो भी ऐसे लोगों का नहीं चाहिए, कम से कम अच्छा युवा कंपनी युवा चाहिए बस। युवा को रोजगार मिलेगा, कांग्रेस आएगा तो? हाँ पक्का में मिलेगा। बीजेपी भी तो, बीजेपी तो बहुत सारे रोजगार दे रही है? नहीं दे रही है, नहीं दे रही है। लेकिन नहीं, गरीब जनता कुछ नहीं सोच रही है।